हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल निकिताज लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो, आप सोच रहे होंगे इतनी सारी लेडीज कहाँ जा रही है, तो कहीं भी नहीं। और जी, ये व्लॉग तो काफ़ी दिन पहले का है, मतलब 4-5 डेज हो गए, बट मैं एडिट नहीं कर पाई थी। सो, ये हमारा ग्रुप है, लेडीज़ ग्रुप यानी किटी ग्रुप है। सो, चलिए मैं आपको एक गेम शेयर करती हूँ। सो, देखिए, सब एंजॉय कर रहे थे, तो ये जो है ना गेम कैसे खेल रहे हैं पता है? एक बड़े से बाउल में 100 जो काबुली चने आते हैं ना, वो लिए थे। फिर आइज क्लोज करके 1 मिनट में हम जितने नेक्स्ट डिश में निकाल सके, 1 बाय 1 निकालना है, एक साथ में बहुत सारे नहीं, आंखें बंद करके 1-1 निकालना है। तो वो निकाल के 1 मिनट में जितने हो सके उतने हम निकालने हैं। और ये देखिए, यहाँ पर आज थीम रखी थी ग्रीन कलर, सो किसी ने पैरेट ग्रीन पहना था, तो किसी ने पिस्ता, किसी ने ग्रीन पहना था, तो बस इसी तरह से सब बैठे थे और हंसी मजाक भी चल रही थी और यहाँ 1 मिनट गेम भी चालू थी। तो होता क्या है, बस ऐसे ही मंथ में कभी हम सारे लेडीज़ मिलके थोड़ा चिल आउट करते हैं तो अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। सो बस ये गेम देखिए, इस तरह से खेलने के बाद उसमें चिट्ठियाँ उड़ाई जाएंगी, फिर उसमें से इन और आउट, अगर इन आता है तो बाउल का काउंट करना है और आउट आता है तो छोटी डिश का काउंट करना है। तो बस इसी तरह से 1 बाय 1 सब खेल रहे थे, सबको आंखें क्लोज करके ये सब गेम कराया जा रहा था। सो, एंजॉयमेंट भी होती है, और वैसे भी आप सभी जानते हैं कि लेडीज़ लोग तो काफ़ी बिजी होते, सबको ऐसा लगता है घर पे है क्या काम है, बट रियली लेडीज़ लोग को जितना काम होता है उतना आई थिंक ऑफिस में जितना टेंशन नहीं होता उससे ज़्यादा घर पे होता है, क्योंकि घर पे सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है, घर क्लीनिंग, खाना, बच्चों को, बहुत होते हैं सारे ही काम। तो बस यहाँ पर हम लोग का गेम वगैरह खेल के हो गया था, तो एक देखिए सब हम लोग बैठे हैं और गपशप कर रहे हैं, बातचीत चल रही है। और यहाँ पर देखिए, अभी बस हाउजी गेम खेल रहे थे, वो गेम 1 मिनट गेम खेलने के बाद। सो, यहाँ देखिए हाउजी गेम भी खेले जा रहे, अच्छा लगता है, थोड़ा टाइम पास होता है, सब मिलते हैं ऐसे, सब तो रोज़ सबको टाइम नहीं होता मिलने के लिए, तो बस इसी तरह मिल लेते हैं सब। सो, यहाँ पर देखिए हाउजी वगैरह खेलने के बाद बातचीत चल रही थी थोड़ी बहुत, और यहाँ पर देखिए हम सब बैठे थे तो बस चिल आउट का बात चल रहा था, बातचीत चल रही थी, और हम लोग बस यही कह रहे थे कि अभी तक नंबर नहीं आ रहा है हमारा, और यही वो जो होता है ना चिट एक कार्ड टाइप, उसमें नंबर का देख रहे थे, जैसे बिंगो खेलते हैं बस वैसे ही हाउजी होता है। और यहाँ देखिए हम लोग सबका गेम चालू ही है। यहाँ पर देखिए मैंने भी आज पैरेट ग्रीन साड़ी पहनी है, बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, और ये साड़ी तो मैंने आप सभी के साथ पहले भी शेयर की है और जब अहमदाबाद शादी में गई थी तब। सो, देखिए यहाँ पर सभी गेम खेल रहे हैं और सब अपने अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेट करके। यहाँ बस मैं बातें कर रही थी कि इनका आ गया है, मेरा तो कब आएगा, और सीरियसली मेरे काफ़ी नंबर बाकी थे, 5 नंबर बाकी थे, और मैं इंतज़ार कर रही थी कि एक आध नंबर तो आ जाए, ओपन तो हो जाए कार्ड में, कहते हैं ना श्री गणेश हो जाए, बट ऐसे कुछ हो ही नहीं रहा था, बस इंतज़ार करके, बट लास्ट में मैं फुल हाउसेस जीत गई थी लकीली। सो, बस यहाँ पर चल रहा है वही गेम। तो बस हाउजी वगैरह गेम खेलने के बाद अभी हो रहा है चिल आउट और आइसक्रीम वगैरह का, तो बस यही इन्जॉयमेंट होती है। बस यहाँ से अब आ गए हैं हम घर पे, और यहाँ देखिए आज है पूनम, तो बस पूनम की कुछ स्पेशल तैयारियाँ हो रही है जो कि आप सभी को आगे हमारी आंटी जी बताएंगी कि क्या हो रहा है और कैसे क्या बनता है।
और बस यहाँ पर आपको दिखाऊं जानवी और ये मेरी ननन, छोटी ननन भूमि, दोनों ही कैसे खेल रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निकिताज लाइफस्टाइल। केम छो बधा? तो तमे बधा विचार करता हसो के मैं गुजराती मां शुं काम स्टार्ट कर्युं। तो आजनो आखो व्लॉग तमने गुजराती मां जोवा मळशे, केम कि आजे छे पूनम। तो पूनम नु महत्व होय, आ पोषी पूनम नु महत्व होय, एम तो मैं लास्ट ईयर भी मैं शेर कर्युं तो एनी लिंक हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नाखी दईश, तमे चेक जरूर करजो। तो पोषी पूनम नु होय के आजे ओरा ने रोटला बनता होय, पण एनु जे महत्व छे ने ई मारा काकीजी तमने बधाईने कहेशे। तो चलिए आपणे एमनी पासे जाईए ने शुं शुं तैयारी चालू छे અને કેવું હોય પોષી પૂનમ નું। અહીંયા આપણે આવી ગયા છે કિચનમાં, અહીંયા અમારા કાકીજી રીંગણા શેકે છે, મોટા મોટા રીંગણા, મરચા બી થશે સરસના અને રોટલા બનશે। તો કાકી આ શું હોય છે પોષી પૂનમ ને કેમ આપણે ઓરા ને રોટલા ખાતા હોય? આજે પોષી પૂનમ છે, આજે પોષી પૂનમ છે, છોકરી એટલે કે કુંવારિકાઓ આજે પોષી પૂનમ નું વ્રત કરે, સાંજે ઓરો અને રોટલો ખાવાનો હોય, ઓરો બનાવવાનો છે, આ મરચાની રોટલા બી છે ને થોડાક સિસ્ટમેટિક બનશે, તો ઈ મેં હું તમને આગળ આગળ બતાવીશ। હમણાં બનશે પેલા એમાં હોલ કરવાનો, પછી એમાંથી જોવાનું છોકરીને, ભાઈ ને બાજુમાં ઉભો રાખવાનો, ભાઈ પછી બેન બોલે કે પોષી પોષી પૂનમ અગાસી રહેલા, અન ભાઈ ની બેન રમે કે જમે, એટલે ભાઈ એમ બોલે કે જમે, અને ભાઈ એવો કોઈ હોય કે મારે આજે હેરાન કરવી છે તો ઈ રમે બોલી જાય, તો પછી દીદી ને જમાય નહીં, આખી રાત જગરો કરવો પડે અને સવારે જમવાનું, એટલે કોઈ ભાઈ ભક્તો કે જ નહીં, એમ જ કે જમે એમ જ, પછી બેન જમી લે બાજરા રોટલો, ઓરો, મરચા, પાપડ, ચટણી, દહી, અને આ બાજરા રોટલા બનાવવાના છે, બાજરા રોટલા લઈ આવી છું, દાણા છે, ચટણી બનાવશું, છાશ બોલો, આશીર્વાદ આપે ભાઈ અને બેન, બે ભાઈ ની નથી આવી છે માગે, અને બેન ને સારો ઓર મળે એટલા માટે આ રહેવાનું છે, બસ રાતે પ્રોગ્રામ થશે જે કે હું તમને બતાવીશ કેવી રીતના। તો હમણાં તો રસોઈ ચાલુ છે ને, હવે ચાલો આપણે રસોઈમાં લાગી જશું। તો બસ યહાં પર મેં આંટી કો કટિંગ વગેરે કરકે દે રહી થી, ઓર આંટી હી સારા ખાના આજ બના રહી થી, બસ મેં બેઠે બેઠે ઉનકો જો કુછ ભી કટિંગ વગેરે કરકે દેના થા વો કરકે દે રહી થી। તો યહાં મેં પ્યાઝ કટ કર રહી હું, ક્યુંકિ જો બનેગા ઉસમેં। તો ફ્રેન્ડ્સ, અમે બધા આવી ગયા છે ટેરેસ ઉપર ને અહીંયા ચાલુ થવાનું છે હમણાં પ્રોગ્રામ અમારી પોષી પૂનમ નો। તો જો બધા અહીંયા છોકરાઓ શું કરે છે એટલે ચાલુ છે, તો ચાલીએ આનો વિડીયો બનાવી લેશું અને તમારી બધાની સાથે શેર કરશું। તો દેખ જો બધાએ પોષી પૂનમ નું બેન અને ભાઈ સાથે આમ જોવે છે કે આવી રીતના આપણે જોશું ને, ભાઈને સામે રાખશું ને, હસી મજાક તો ભાઈ બેન હોય ત્યાં હોતી હોય છે કે આ જ તો બધું હોય નાનપણની મસ્તી અને મજા અને એન્જોયમેન્ટ। સો યહા જો અહીંયા બધા ઊભા થઈ ગયા છે ને, હવે બેન બોલશે પ્રોગ્રામ કરીને ઘરે આવી ગયા છે ને, આજ બનાવ્યું છે ઓરા રોટલા અને મોળા અને કાચરી, અથાણું, છાશ, બસ બધા અહીંયા બેઠા છીએ જમવા। તો અમે બધા અહીંયા જમવા બેઠા છીએ, મારા કાકાજી, મારા કાકીજી, મારી બંને નનંદુ, મારા દેરજી અને મયુર હમણાં મિસ હતા, જો હમણાં આવી જશે એટલે એમને લઈ લઉં। તો જો મયુર બી આવી ગયા છે, જાનવીને કંઈક જોતું હતું એટલે ગયા હતા, તો બસ આજનો દિવસ એવી રીતના ગયો। પસંદ આવ્યું હોય તો લાઈક કરજો, મળીએ આપણે બીજા ન્યૂ બ્લોગ સાથે।